नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं हूं आपका दोस्त आर्यन। आपके लिए फिर से एक ओ लेवल का जो नया आपका प्लेटफॉर्म आया है, सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेक्स्ट, और आपका जो कंप्यूटर से रिलेटेड प्रोजेक्ट हो रहे हैं उनके बारे में मैं चर्चा करने वाला हूं। ओ लेवल की सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ, तो सबसे पहले ओ लेवल हमारा ऑर्डनरी लेवल है। ओ लेवल एग्ज़ाम जो है हमारा नाइलेट के थ्रू होता है, तो इसका मतलब ये है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसमें क्या है, ओ लेवल में आपको ऑर्डनरी लेवल तक का ज्ञान दिया जाता है, जिसमें क्या है आपको इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड कुछ कंपोनेंट्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में बहुत सारी जानकारी प्रोवाइड कराई जाती है। कंप्यूटर से रिलेटेड आपको हर एक प्रकार की कम्युनिकेशन से रिलेटेड चीज़ें बताई जाती हैं। तो इसमें मैंने कुछ चीज़ें आपको दिख रही होंगी, इसमें मैंने बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि मैंने 2023 के एग्ज़ाम में देखी है वो मैं आपके साथ साझा करने जा रहा हूँ। जिसमें मैंने एग्ज़ाम में बहुत सारी चीज़ें आपको दिख रही होंगी, जिसमें क्या है आपको ओ लेवल का जो एग्ज़ाम है वो आप दो तरीके से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, जैसे एक सेल्फ में और एक इंस्टीट्यूट के थ्रू। अगर आप सेल्फ से अप्लाई करते हैं तो उसमें आपके रजिस्ट्रेशन फ़ीस पर मॉड्यूल की 1100 रुपये होगी और रजिस्ट्रेशन फ़ीस आपकी 500 रुपये होगी। नाइलेट में जब आप रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तो उसमें आपको 500 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे और जिसकी वैलिडिटी 5 ईयर होगी। फिर उसके बाद मैं चलता हूँ इंस्टीट्यूट की बात करता हूँ। इंस्टीट्यूट में क्या होता है, आपके अकॉर्डिंग, आपके एरिया के अकॉर्डिंग इंस्टीट्यूट में अलग अलग टाइप से लोग डिमांड करते हैं, जैसे 5000 या 15000 से लेकर 22000 या अप्रॉक्स इससे भी ज़्यादा जा सकते हैं, अकॉर्डिंग टू आपकी लैब और आपके वहाँ पे जो भी मटेरियल्स है उसके अकॉर्डिंग आपको सेवाएँ जैसी आपको प्रोवाइड कराते हैं वैसे ही वो पैसे लेते हैं। हकीकत में पर मॉड्यूल का 1100 रुपये चार्ज होता है और ये 1 ईयर का कोर्स जो कि इंस्टीट्यूट के थ्रू आपको प्रोवाइड कराया जाता है, जिसमें क्या है इसमें आपके दो तरीके से एग्ज़ाम होते हैं। तो एग्ज़ाम को पहले ना सुनते हुए पहले हम चलते हैं मॉड्यूल की तरफ। मॉड्यूल इसमें आपको चार एग्ज़ाम देने होते हैं, चार एग्ज़ाम में M1R5, M2R5 एंड M3R5 एंड M4R5। तो M1R5 में आपको IT टूल्स के बारे में पढ़ाया जाएगा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के टूल्स और उसकी उसके बारे में आपको इसमें बताया जाएगा। इसमें इस मॉड्यूल की फ़ीस आपकी 1100 रुपये होगी। आप चाहें हर इसके 6 महीने में आपका एग्ज़ाम करवाया जाता है, तो एग्ज़ाम फरवरी में और आपके जुलाई में करवाया जाता है। इस वजह से आप अपनी तैयारी के अकॉर्डिंग फॉर्म फिल कर सकते हैं। आप एक फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप एक फॉर्म भर सकते हैं और दो फॉर्म भरते हैं तो भी आप फिल कर सकते हैं। तो इसमें क्या है, M2R5 आपका वेब डिज़ाइनिंग से रिलेटेड पोर्शन है, इसमें आपको HTML, CSS, JavaScript के बारे में बेसिक सी नॉलेज दी जाएगी और HTML का बहुत सारा इसमें चैप्टर्स होते हैं तो इसको अच्छे से पढ़ने पड़ते हैं। तो इसके बाद मैं पाइथन के बारे में बता रहा हूँ। जैसे कि पाइथन जो है वो इस बार आई है, पहले इसमें हमारी सी प्रोग्रामिंग चलती थी, अब पाइथन क्या है आज के युग में हम लोग जो भी काम कर रहे हैं वो पाइथन के बेस पर कर रहे हैं। तो इसमें क्या है आपको पाइथन के बारे में बताया जाएगा और इसमें सबसे लास्ट में आया है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का वायरलेस के अकॉर्डिंग इंटरनेट ऑफ थिंग IoT। IoT में आपको इंटरनेट ऑफ थिंग में आपको बताया जाएगा कि कैसे हम वायरलेस चीज़ों से कनेक्टेड रह सकते हैं, कनेक्टेड रह सकते हैं, जैसे कि हम वायरलेस होम और होम ऑटोमेशन या बिना ड्राइवरलेस कार, इलेक्ट्रिक कार, ऐसे हम लोग IoT के थ्रू काम कर सकते हैं। गूगल क्लाउड्स की मदद से हम लोग IoT के थ्रू कार्य कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे, इसमें लास्ट में आपको एक प्रोजेक्ट सबमिट करना पड़ता है, तब जाकर कहीं आप चारों एग्ज़ाम पास करने के बाद आपको प्रोजेक्ट सबमिट करना पड़ता है। और मैं एक आपको बता दूं कि अगर आपने मॉड्यूल 1, कुछ गुड न्यूज़ ये है कि अगर आपने मॉड्यूल 1 अच्छे से पास कर लिया है, पास करने पर आपको क्या होगा, CCC का जो सर्टिफिकेट है वो आपको फ्री नाइलेट की तरफ से प्रोवाइड कराया जाएगा। और इसमें क्या है आपके दो मोड होते हैं, एक मॉड्यूल को दो मोड एग्ज़ाम होते हैं, एक MCQ एंड उसका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होता है। MCQ मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जिसमें आपको क्वेश्चन दिया गया होगा जिसमें चार ऑप्शंस होंगे, आपको उनमें से एक सही सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या है, सेकेंड वाला आपका क्वेश्चन है ऑनलाइन प्रैक्टिकल में। ऑनलाइन प्रैक्टिकल में आपको क्वेश्चन दिया होगा, उसको जस्ट आपको उसी के अकॉर्डिंग उसको बनाना होगा। जैसे आप अगर एक्सेल या लिब्रे ऑफिस को पढ़ते हैं तो लिब्रे ऑफिस को आप पढ़ने के बाद उसमें क्या होगा, क्वेश्चन आपको दिया होगा तो आप उसको लिब्रे ऑफिस में आप उसको डिज़ाइन करेंगे। तो उसमें रूल्स क्या होते हैं, रूल्स के बारे में ना बात करते हुए डायरेक्ट हम पासिंग मार्क्स के बारे में बात करते हैं।
तो पासिंग मार्क्स और प्रैक्टिकल मार्क्स, ये दो प्रकार के आपको मार्क्स के बारे में मैं बता रहा हूँ। देखिए जब आप प्रैक्टिकल, जब आप एमसीक्यू मार्क्स देंगे तो उसमें आपको 33 नंबर लाने बहुत ज़रूरी हैं, बट 33 लाने से आपको काम नहीं चलेगा। अगर आप 33 दोनों में ले आएंगे तो आप पास नहीं मान जाएंगे, क्योंकि आपको प्रैक्टिकल एग्जाम का 60% पोर्शन आपका लिया जाएगा, परसेंटाइल बनती है जैसे, और प्रैक्टिकल एग्जाम का 40% पार्ट लिया जाएगा। अगर दोनों को मिलाकर आपका 50% से ऊपर जाता है तो आपका डी ग्रेड बनता है। और इसमें पासिंग मार्क्स इसलिए मैंने 33 यहाँ पर लिख रखा है क्योंकि 33 वैलिड है। 33 के नीचे अगर आपके मान लीजिए इसमें 100 में 100 आ गए हैं तो आप इसमें क्या है, इसमें आपके मान लीजिए 32 आ गए हैं तो आपको दोनों एग्जाम पास करने होंगे। तो फिर क्या है यहाँ पर, अगर आप 60 से 70 के बीच में मार्क्स लाते हैं तो इसमें सी ग्रेड, 70 से 80 तक लाते हैं तो बी ग्रेड, एंड 80 से 90 तक लाते हैं तो ए ग्रेड, एंड 90 से 100 के बीच में अगर लाते हैं तो आपका एस ग्रेड होता है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप इस एग्ज़ाम को बिल्कुल भी नॉर्मल मत लीजिए, क्योंकि यहाँ पे मैंने हल्के में लिख दिया है, ऐसा नहीं है, आप बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं लीजिए। ऑनलाइन आप चाहें तो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, आपके पास बहुत सारे चैनल्स हैं, आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। एक्चुअल में आप जब कभी कंप्यूटर कोचिंग में जाएंगे तो आपको कंप्यूटर पर ही बैठ कर आपको वहाँ पर प्रैक्टिस करनी होगी। इसी प्रकार आप कंप्यूटर घर पर ही लेकर मैनेज करके आप इतनी फीस में आप खुद यूट्यूब से पढ़ सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर आपको वैसे ही गाइड किया जाएगा जैसा कि आपको ऑनलाइन में गाइड किया जाता है। तो उसके बाद आपकी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होती है। आप अगर प्रैक्टिस करेंगे, जितना ही ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आप उस चीज़ में माहिर हो जाएंगे। तो टाइम टू टाइम ऑनलाइन टेस्ट, जब आप मॉड्यूल 1 अगर ख़त्म करते हैं, मॉड्यूल 1 ख़त्म करने के बाद आपको टेक्स्ट की तैयारी तुरंत करनी है। जैसे आप टेक्स्ट बुक ऐप पर विभिन्न प्रकार के प्रतियोगिता के जो आपके होते हैं एमसीक्यू, उसको आप सॉल्व करते हैं, वैसे ही examzilla.com वगैरह आपको ऑनलाइन वेबसाइट पर मिल जाएगी, nilet.olevel.com रिलेटेड से आपको एमसीक्यू आप सॉल्व कर सकते हैं। सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म आपको मेरे अकॉर्डिंग यूट्यूब ही सबसे बढ़िया प्लेटफॉर्म है। आपको नाइलेट की सारी इंफॉर्मेशन आपको उसी से मिलेगी। आप एक चैनल को अच्छे से पढ़ें, आप उसी से अच्छा ग्रेड प्राप्त कर सकते हैं। और मैं यहाँ पर बात करूँ तो ये आपकी कंप्यूटर बेस्ड स्क्रीन ऐसी कुछ आएगी जिसमें कंपाइलर जो होता है बहुत ही आप यूज़ करते हैं, उससे कहीं भी बहुत ही लो क्वालिटी का कह सकते हैं उस टाइप का आता है। तो आपको बहुत ही जल्दी टाइम के अकॉर्डिंग मैनेजमेंट रखना है, तो टाइम आपको बहुत ही कम मिलने वाला है इसमें आपको। तो इसलिए आपको कैसे मैनेज करना है मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि देखिए यहाँ पर आपका क्वेश्चन यहाँ पर मेंशन होगा। जब आपका यहाँ पर क्वेश्चन मेंशन होगा तो यहाँ पर आप अपना प्रोग्राम लिखेंगे। तो यहाँ पर अगर कोई क्वेश्चन आता है, राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट 5 टेबल या कुछ भी पूछता है तो यहाँ पर आपको फिल करना है। यहाँ पर आपको पूरा प्रोग्राम लिखना है, और यहीं पर आपको कंपाइलर भी दिया होगा, पाइथन का अगर कर रहे हैं, वेब डिज़ाइन का कर रहे हैं, या HTML का कर रहे हैं, IT टूल का होगा तो एक्सेल से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो आपको बाकायदा एक्सेल होगा। और IoT में आपको डिजिटल राइट LED वगैरह जो भी आप पढ़ते हैं, ऑडियोनो से रिलेटेड ऑडियोनो के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। ऑडियोनो की कोडिंग होती है वो IoT में आपके लिए बहुत ज़रूरी है। सेंसर्स के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा, उसके बारे में जब आप पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पर कोडिंग फिल करनी है। तो थैंक यू दोस्तों, इसमें मैं बात करता हूँ उन बच्चों की जो अभी अभी आए हुए हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप अच्छे से तैयारी करें, इसको बिल्कुल भी उस प्रकार से मत लीजिए कि बहुत ही ईजी एग्ज़ाम होता है। ये ईजी एग्ज़ाम नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे इसका लेवल बढ़ रहा है वैसे वैसे ये एग्ज़ाम और भी टफ होता चला जा रहा है। और इसमें क्वेश्चंस जो होते हैं, हालांकि आपको पता है कि कंट्रोल सी में कॉपी होता है, बट उसमें आपको क्वेश्चन ऐसा प्रोवाइड कराया जाएगा कि आप कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। उसमें आपको क्वेश्चन हो सकता है ऐसे पूछ दे कि कंट्रोल सी में कौन सा ऑप्शन सही नहीं है, तो उसमें क्या होगा, आपको 3 दिए होंगे ऑप्शन, तीनों हो सकता है गलत हो और चौथा लिखा हो इनमें से कोई नहीं, तो उसमें से आप कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो इस वजह से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप अच्छे से तैयारी करें। जय हिंद, आलोक।